अपडेट में आपका स्वागत है। 14 नवंबर 1962 को गठित की गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आज चीन के साथ मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी है। लामा पेंगोंग झील को देखने गए। दरअसल चीन अच्छे से जानता है कि असली पंचेन लामा कौन है और तिब्बतियों के लिए पंचेन लामा कितनी महत्वपूर्ण शख्सियत है। चीन की इस औच्य हरकत के बाद उत्तरी भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों की संसद काशंग में मामले की खूब आलोचना हो रही है। सांसदों की ओर से बाकायदा इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चीन को ऐसी औच्य हरकतें करने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके महाद्वीप पहुँचे पंचेन लामा की असली हकीकत का दुरुपयोग करने से बचने की नसीहत भी दी है। निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर येशी फुत्सोंग ने कहा कि चीन 11वें पंचेन लामा की असली हकीकत दुनिया के सामने जल्द से जल्द सार्वजनिक करें। तो वही हमने अभी आपसे कहा कि अपने आप में बौद्ध धर्म को एक तरफ से संरक्षण कर रहा है, हम अपने जो लोगों को इस तरह की प्रभाव दे रहा है वो दिखाने के लिए है, लेकिन वास्तविकता जो तो है नहीं। वो तो जब वास्तविकता नहीं है तो उसको दिखा के क्या फ़ायदा है। लोगों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे और वो कहाँ लोगों को आप विश्वास करेंगे। जब आप अपने आप में एक विश्वासघात है तो विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। वो उन्होंने जो अपनी राजनीतिक और दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने अपना जो घोषणा किया हुआ पेंचन लामा है, वास्तव में जो परमपिता दलाई लामा जी ने अपनी परंपरा के अनुसार जो पेंचन गिनजिनशु की नीमा 1995 के मई के 15 तारीख को घोषणा किया है विश्वभर के लिए, वो आज लुप्त है। उनका कोई परिस्थिति अता पता किसी को पता नहीं है, केवल चीन शासकों के कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसलिए ये गुमराह करने के लिए है, ये लोगों के ध्यान खींचने के लिए है और इसका कोई कोई प्रयोग अच्छा हो नहीं सकता है।